गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, खारिज की गई याचिका, जानिए क्या दी गई थी दलील। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 25 अगस्त को मना कर दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आपकी रिवीजन याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, ऐसे में यहां सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। मामले में केजरीवाल को निचली अदालत ने समन जारी किया है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने अपने खिलाफ बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस किया है। कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी है कि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से गलत तरीके से इनकार कर दिया है। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय की दायर आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध वाली आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि 31 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया था। इसमें गुजरात विश्वविद्यालय को केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की आरटीआई याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।